क्वेश्चन नंबर 23, 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो 41 की पावर n है माइनस 14 की पावर n, ये क्या है, मल्टीपल है किसका, 27 का। तो देखो सबसे पहले क्या करा आपने, वही पी एन मान लिया, कितना है के पास, 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27, ठीक है, या इसको पी एन मान लिया आपने, ठीक है ना। अब देखो क्या स्टेप सी, पहले n की जगह 1 रखते थे, फिर n की जगह k, फिर n की जगह k प्लस 1, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट, 4 n इज इक्वल टू 1, तो देखो क्या हो जाएगा, p 1, ठीक है, रखो n की जगह 1, कितना आ जाएगा, 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, ठीक है, 11, 11 में से 4 गया, कितना बचा बोलो, 7, ठीक है, यहाँ रह गया 3, 3 में से बन गया 27, कितना आ गया पास, 27। तो जो 27 है ना, वो क्या है, इज डिविजेबल बाय 27, ये जो नंबर है ये क्या है, 27 से ही डिविजेबल है, इसका मतलब क्या हो गया, पी वन इज ट्रू, पी वन क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड, अब किसकी बात करें, लेट एन इज इक्वल टू के बी ट्रू, क्या बोला हमने, n इज इक्वल टू के जो है वो क्या है आपका, ट्रू है, रख दो n की जगह k, देखो क्या हो जाएगा, p k 41 की पावर k है ना, आपको क्या करना है, जहां क्वेश्चन में n दिख रहा है ना, उसके लिए क्या रखना है, k 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज मल्टीपल ऑफ 27, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड, पुट n इज इक्वल टू के प्लस 1, अब मुझे n की जगह रखना है k प्लस 1, देखो क्या हो जाएगा, p k प्लस 1 इज इक्वल टू 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1, ठीक है। अब मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ना, ये जो p k प्लस 1 है ये भी क्या है, ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या प्रूफ करना है आपको, कि ये जो नंबर है ये भी क्या है, 27 से डिविजिबल है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 41 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये 20, जो अगर हम पीके की बात करें कि ये क्या है, 27 का मल्टीपल है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 14 की पावर k माइनस 14 की पावर k, 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k, ये क्या है, 27 लैम्डा के इक्वल है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि 27 का मल्टीपल है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 14 की पावर k की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, 41 की पावर k की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको उठा के चले जाएंगे, क्या आ जाएगा पास, 27 लैम्डा प्लस 14 की पावर k, है ना, रख दो यहाँ पर, 41 की पावर k की वैल्यू ये रही आपके पास, रख दो उठा के, ठीक है ना, देखो कितनी आई आपके पास, 27 लैम्डा प्लस 14 की पावर k, ठीक है, इंटू कितना आपके पास, 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14, ठीक है। अब देखो ये जो 41 है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो कितना हो जाएगा, ऐसे एकदम 27 लैम्डा है ना इंटू 41, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे ये कितना हो जाएगा, 41 इंटू 14 की पावर k माइनस 14 की पावर k इंटू 14। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के पास क्या है, 14 की पावर k है, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 14 की पावर k कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ये कितना के पास, 27 लैम्डा इंटू 41 प्लस, इन दोनों से क्या कर लिया हमने, 14 की पावर k कॉमन निकाल लिया, तो कितना आ गया, 41 माइनस 14, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 27 लैम्डा इंटू 41 प्लस 14 की पावर k इंटू कितना के पास, 27 आ गया, ठीक है। अब देखो इधर 27 अगर हम देखें तो यहां पर भी 27 है और यहाँ पर भी कितना है, 27, तो हम है ना, ये दो ही टर्म है आपके पास भाई, एक नंबर ये रहा पूरा और एक नंबर ये रहा, इन दोनों से हम क्या कर रहे हैं, 27 जो है इसको कॉमन निकाल रहे हैं। जैसे मैंने 27 कॉमन निकाला, यहाँ कितना आ गया, 41 लैम्डा प्लस 14 की पावर k, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 27 है ना, इस पूरे को मैं क्या कर लेता हूँ, p मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, p, मैंने क्या करा, लेट कर लिया कि 41 की पावर है ना, 41 लैम्डा प्लस
14 की पावर के, ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, ठीक है। ये कितना के पास 27p आ गया। 27p का मतलब क्या हो गया कि 27 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी के प्लस वन इज ट्रू, ठीक है। पी के प्लस वन क्या हो गया आपका, ट्रू हो चुका है ना। क्या आपको ये तो प्रूफ करना था कि जो पी के प्लस वन है ये भी क्या है, 27 का मल्टीपल है, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है आपसे कि आपको प्रूफ करना है कि जो 2n प्लस 7 है ये क्या है आपका, लेस देन है किससे, n प्लस 3 के होल स्क्वायर से। तो वही आपने इसको pn कैसे लिख लिया, pn 2n प्लस 7 लेस देन है किससे, n प्लस 3 इस पूरे के होल स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था बोलो, 4n इज इक्वल टू 1, किसके लिए बात कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए। देखो क्या हो जाएगा, जब मैं n की जगह 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 7 लेस देन, n की जगह रखा 1, ठीक है। ये कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 जो है वो लेस देन है किससे, 3 और 1 4 है ना, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। तो 9 जो है वो 16 से लेस देन है, इसका मतलब क्या हो गया कि पी वन क्या है के पास, ट्रू है, ठीक है, बात क्लियर है। स्टेप नंबर सेकेंड, लेट एन इजिकल टू के बी ट्रू, क्या करा आपने कि एन इजिकल टू के जो है वो क्या आपके पास ट्रू है। तो देखो क्या हो जाएगा, पी के रखो एन की जगह के, कितना आ जाएगा, 2k प्लस 7 है ना, लेस देन है किसे, k प्लस 3 इस पूरे के होल स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो इधर स्टेप नंबर थर्ड क्या करते थे बोलो, पुट करते थे n की जगह पर कितना, k प्लस 1, ठीक है। रखो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी के प्लस 1। रखो यहां पर, जब मैं यहां पर n की जगह पर क्या रखूंगा, k प्लस 1 रखूंगा है ना, बात समझ रही है, क्या रख रहा हूं मैं n की जगह, k प्लस 1। तो देखो जब k प्लस 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 2k प्लस 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, 2k प्लस 9 डायरेक्ट लिख दूं या ऐसे लिख दो, तो आपने क्या रखा है यहाँ पर, n की जगह k प्लस 1 रखा है, चलो ऐसे लिख देते हैं है ना, और प्लस 7 आपका एज इट इज है, ठीक है। ये क्या है, लेस देन है किससे, n प्लस 3 के होल स्क्वायर से, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो कितना हो गया ये, अगर हम इसको देखें है ना, यह बात आपको प्रूफ करनी है ना, तो देखो कितना हो गया ये, 2k प्लस 9, ये क्या है आपका, लेस देन है किससे, n की जगह आपने k प्लस 1 रखा था है ना, तो k प्लस 1, इसको काट के यहां लिख रहा हूं, k प्लस 1 प्लस 3 इसके होल स्क्वायर से, ये कितना हो गया पास, k प्लस 4 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यार, अब हम इसको किसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे, pk के हेल्प से, ठीक है ना, इसका LHS और इसका LHS सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो आपने बोला बाय यूजिंग pk, देखो pk के आगे पास 2k प्लस 7 लेस देन है किससे, k प्लस 3 के होल स्क्वायर से। अब देखो मैं इसका LHS दोनों सेम बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके अंदर एडिंग कर देना चाहिए टू बोथ साइड, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एडिंग कर रहा हूं, क्या एडिंग कर रहा हूं, टू बोथ साइड, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2k प्लस 7 प्लस 2 लेस देन k प्लस 3 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया पास, 2k प्लस 9 ये लेस देन है, होल इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 2, ठीक है। तो 2k प्लस 9 है ना, ये कितना हो गया पास, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, ठीक है। अब देखो अगर आप इसका स्क्वायर खोलते हो, ठीक है ना, तो क्या आएगा आपके पास बोलो, जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे, k स्क्वायर प्लस 16 है ना प्लस 8k, आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये जो नंबर है आपका, ये नंबर क्या है, इस नंबर से छोटा है, ये नंबर क्या है, किससे छोटा है, k प्लस 4k होल स्क्वायर से छोटा है, बोल सकते हैं बात, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर खोल रहे हैं तो क्या आ रहा है आपके पास, k स्क्वायर
है ना, प्लस 8k प्लस 16, ठीक है, जब आप इसको खोल रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला जो नंबर है वो इससे छोटा है। अब देखो इधर आप ऐसे बोल रहे हो कि 1 जो है वो छोटा है किससे, 5 से, है ना, और जो 5 है वो छोटा है 7 से, तो नॉर्मल सी बात है 1 क्या होगा 7 से छोटा होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, 2k प्लस 9 क्या होगा, छोटा होगा किससे, के प्लस 4k होल स्क्वायर से। क्या बोला मैंने, 2k प्लस 9 ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, के प्लस 4k होल स्क्वायर से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, pk प्लस 1 क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया, pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, pn इज ट्रू, pn क्या है, ट्रू है, 4 n belong to natural number।